इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास फोर इंग्लिश का चैप्टर वन। चैप्टर वन का नाम है आई लव ग्रैंड माँ, मैं दादी माँ से प्यार करता हूँ। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वार्मर। देखिए वार्मर कहते हैं वार्म अप करने को। आप क्रिकेट देखे होंगे तो देखे होंगे कि मैच होने से पहले खिलाड़ी लोग फील्ड में आके हाथ पैर डुलाते हैं, ठीक है, थोड़ा एक्सरसाइज टाइप के करते हैं। क्यों करते हैं? खुद को वार्म अप करने के लिए, जो मैच खेलने जा रहे हैं उसके पहले खुद को वार्म अप करने के लिए। बिल्कुल इसी प्रकार से जो कविता हम लोग पढ़ते हैं या फिर जो कहानी हम लोग पढ़ते हैं उसके पर इस तरह के ढेर सारे प्रश्न दिए जाते हैं। क्यों? तो खुद को वार्म अप करने के लिए। क्या करने के लिए? खुद को वार्म अप करने के लिए हमारा दिमाग कविता या कहानी जो पढ़ने जा रहे हैं उससे पहले कुछ सोच सके, ठीक है ना, सोचने लायक हो सके, खुद को प्रिपेयर कर सके, इसलिए ये सब प्रश्न दिए जाते हैं। तीन सारे प्रश्नों को कहते हैं वार्मर। ठीक है, आप समझ गए वार्मर क्या होता है। लिखा हुआ आंसर दीज क्वेश्चंस बिफोर यू रीड द पोयम। कविता पढ़ने से पहले इन प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है, देखिए पहला लिखा हुआ हु एल्स बिसाइड्स योर फादर एंड मदर लिव्स इन योर फैमिली। आपके परिवार में आपके माता और पिता के अलावा और कौन रहते हैं? तो और कौन रहते हैं आप लिख सकते हैं कि मेरे भाई रहते हैं, मेरे बहन रहते हैं, दादा दादी रहते हैं, चाचा चाची रहते हैं, ये सब लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन तो आपसे पूछ रहा है, तो आपके परिवार में जो रहते हैं उनका नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, उनका नाम यानी फादर मदर के अलावा और कौन रहते हैं। जैसा अभी आपको बताया आपके भाई बहन रहते होंगे, चचेरा भाई बहन रहते होंगे, ठीक है, चाचा चाची रहते होंगे और दादा दादी रहते होंगे। ठीक है, तो जो रहते हैं इनमें से, ठीक है, तो उनको लिख दीजिए। टू हेयर डू यू हैव दादी और नानी एट योर होम। क्या आपके घर में दादी या नानी रहते हैं? तो रहते हैं तो यश लिखिएगा। ठीक है, दादी को इंग्लिश में कहते हैं ग्रैंड मदर और नानी को इंग्लिश में कहते हैं मैटरनल ग्रैंड मदर। जो माता जी की तरफ से रहते हैं ना, माता जी के परिवार की तरफ से रहते हैं, तो उन रिश्तों में क्या लगाते हैं? मैटरनल लगाते हैं। जैसे मामा हो गए तो मैटरनल अंकल कहेंगे, जैसे मामी हो गए तो मैटरनल आंट कहेंगे। ठीक है, तो मैटरनल लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, नानी है तो मैटरनल ग्रैंड मदर, नाना रहेंगे तो मैटरनल ग्रैंड फादर। तो बोला जा रहा है डू यू हैव दादी और नानी एट योर होम। क्या आपके घर में दादी या नानी है? हाउ मच आर यू अटैच्ड विद हर। आप उनसे कितना जुड़े हुए हैं, यानी कि आप उनको कितना प्यार करते हैं और वो आपको कितना प्यार करते हैं। थ्री है डू यू लव हर। क्या आप उनको प्यार करते हैं? किनको? दादी माँ को। हाउ डू यू शो योर लव टू हर। आप अपने प्यार को उनको कैसे दिखाते हैं? ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि वो जो बोलती हैं, ठीक है, उनके सारे कहना को मानते हैं, उनका चश्मा भुतला जाता है तो ढूंढ के दे देते हैं, कभी पानी मांगते हैं तो पानी दे देते हैं, उनके साथ मार्केट जाते हैं कहने पर, तो इस प्रकार से अपने प्यार को उनको दिखाते हैं। तो ये सब लिख सकते हैं आप। ये सारे क्वेश्चन आपसे रिलेटेड पूछ रहा है, तो आपको बता रहे हैं कि कैसे कैसे लिख सकते हैं। फॉर ए हाउ डू योर पेरेंट्स बिहेव विद हर। आपके माता पिता उनसे कैसे पेश आते हैं? ठीक है ना, आपके माता पिता उनसे कैसे व्यवहार करते हैं? तो अच्छा ही व्यवहार करते होंगे, तो लिखेंगे मेरे माता पिता उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। चलिए अब कविता पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ ग्रैंड माज आइज आर शाइनिंग ब्लू। दादी माँ की आंखें नीली चमक रही हैं। थ्रू द ग्लासेस ऑन हर नोज। ठीक है, उनके नाक पर चश्मे से। ठीक है, तो वो है ना, वो चश्मा पहने हुए हैं। ठीक है, चश्मा। ठीक है, तो जो बच्चा है ना तो देखता है तो क्या देखता है कि चश्मा के दूसरी तरफ है ना, ठीक है, चश्मे से ना देखेंगे तो चश्मा तो पहने हुए आंख के ऊपर, तो देखते हैं कि वो उनकी जो आंखें वो चमकीली हैं। ठीक है, और कैसे चमक रही है, नीली चमक रहे हैं। ठीक है, थ्रू द ग्लासेस ऑन हर नोज, उनके नाक पर चश्मों से। ठीक है, तो बीच में क्या आ जाता है, चश्मा आ जाता है, तो बच्चा देखता है क्या, चश्मे से। ठीक है, देखता है कि ये चश्मा है ना, चश्मा की उस तरफ जो उनकी आंखें वो नीली चमक रही हैं। तो आपसे पूछेगा ना कि दादी माँ की आंखें कैसे चमक रही हैं, तो लिखिएगा नीला चमक रही हैं। ठीक है, और उनके जो चश्मे हैं वो कहाँ हैं, उनके नाक पर हैं। ग्रैंड माँ हैज द स्वीटेस्ट स्माइल। दादी माँ की मुस्कुराहट सबसे प्यारी है।
क्या है सबसे प्यारी है, एंड द नाइसेस्ट स्मेलिंग क्लॉथेज, और दादी माँ के कपड़े ठीक है बहुत अच्छे महक रहे हैं। ठीक है, तो कभी भी ना गंदे कपड़े दादी माँ नहीं पहनती हैं, जो महक है ठीक है ना, खराब महक है वैसे कपड़े कभी नहीं पहनती हैं। तो दादी माँ के जो कपड़े हैं ना बहुत अच्छा महक रहा है। वेन ग्रैंड माँ रेस्ट आई एम स्टिल अनटिल सी वेक्स अप, जब दादी माँ आराम करती हैं तो मैं स्थिर रहता हूँ जब तक कि वे जाग नहीं जाती हैं। तो इसमें एक बच्चा है, वो बच्चा क्या बोलता है कि जब दादी माँ आराम करती हैं तो मैं स्थिर रहता हूँ, यानी कि जो बच्चा है ना वो शोर बिल्कुल नहीं मचाता, दादी माँ को परेशान बिल्कुल नहीं करता। अनटिल सी वेक्स अप, जब तक कि वे जाग नहीं जाती हैं। ठीक है, तो दादी माँ जब आराम करती है ना, जैसे दोपहर में आराम नहीं करते, थोड़ा बहुत झपकी ले लेते हैं या बिस्तर पर लेट जाते हैं आराम करने के लिए, तो दादी माँ का बुजुर्ग है तो आराम करती हैं, तो बच्चा बिल्कुल परेशान उनको नहीं करता। एंड देन आई रन एंड हग माई ग्रैंड माँ डियर, बोला जा रहा है कि जब दादी माँ है ना उठ जाती हैं ठीक है, तो क्या करते हैं, एंड देन और तब आई रन, मैं दौड़ता हूँ, एंड हग माई ग्रैंड माँ डियर, और अपनी दादी माँ ठीक है ना, अपनी प्रिय दादी माँ को गले लगाता हूँ। देन सी हग्स मी बैक अगेन, ठीक है, तब वे भी वापस मुझे गले लगाती हैं। ठीक है, वापस मुझे गले लगाती हैं। इस प्रकार से ग्रैंड सन एंड ग्रैंड माँ ठीक है लव ईच अदर, इस प्रकार से पोता और दादी माँ एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, तो पोता जब दादी माँ को गले लगाता है तो दादी माँ भी प्यार से उसको गले लगाती हैं। इस प्रकार से दादी माँ और पोते एक दूसरे को अपना प्यार जताते हैं। आई होप आपको ये कविता पसंद आया होगा, ये बहुत ही प्यारी कविता थी दादी माँ से संबंधित। इस कविता से संबंधित कोई भी प्रश्न है आपके दिमाग में तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब जो वर्ड मीनिंग है वो पढ़ लेते हैं। देखिए, शाइनिंग, शाइनिंग मीन्स होता है चमकीला, ग्लासेस मीन्स होता है चश्मा, ठीक है, स्टिल मीन्स होता है स्थिर, ठीक है, हिलना डुलना नहीं, हग मीन्स होता है आलिंगन करना, गले लगाना, वेकअप मीन्स होता है जागना। ये वर्ड मीनिंग आप याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही जरूरी है। बी में लिखा हुआ लेट्स थिंक एंड स्पीक, चलो सोचे और बोले। तीन सारे प्रश्नों का जवाब देने से पहले ना आप थोड़ा सोचिएगा और फिर बोलिएगा। बी पॉइंट वन में लिखा हुआ से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, ठीक है, ट्रू मिस होता है सही और फॉल्स मिस होता है गलत। तो बोला जा रहा है नीचे दिए गए कथन सही है या गलत बताएं, तो ये कथन सही है या गलत आपको बताना है। सही रहेंगे तो लिख देंगे ट्रू और गलत रहेंगे तो लिख देंगे फॉल्स। पहला लिखा हुआ ग्रैंडमाज आइज आर शाइनिंग ग्रीन, देखिए एपोस्ट्रॉफी एस जो लगा हुआ है ना, एपोस्ट्रॉफी और एस, इसका मतलब होता का के की, क्या होता का के की। ग्रैंडमाज आइज आर शाइनिंग ग्रीन, दादी माँ की आंखें हरी चमक रही हैं, हरी, तो आपको तो पहले ही बोल दिए थे क्या क्या प्रश्न पूछेगा, तो दादी माँ की आंखें हरी चमक रही है, नहीं, कैसे चमक रही है, नीली, तो ये गलत है, तो क्या लिखेंगे फॉल्स लिखेंगे फॉल्स। ठीक है, टू है हर ग्लासेस आर ऑन हर ईयर्स, ईयर मिस क्या होता है, ईयर मिस होता है कान, ठीक है, ग्लासेस मिस होता है क्या चश्मा, उनके चश्मे उनके कानों पर है, उनके चश्मे उनके कानों पर है, तो उनके कानों पर नहीं उनके नाक पर है, गलत है, तो वाक्य क्या हो गया गलत हो गया, तो क्या लिखेंगे फॉल्स लिखेंगे फॉल्स, ये भी क्या था, ये भी था फॉल्स, ठीक है, फॉल्स मीन्स क्या होता है गलत। थ्री है ग्रैंडमा हैज द स्वीटेस्ट स्माइल, दादी माँ की मुस्कुराहट सबसे प्यारी है, जितने सारे लोग मुस्कुराते हैं ना ठीक है, उनके मुस्कुराने से सबसे ज्यादा प्यारा क्या है, दादी माँ की मुस्कुराहट है, तो ये क्या है सही है, तो क्या लिख देंगे ट्रू लिख देंगे टी आर यू ई ट्रू। फोर है सी हैज द नाइसेस्ट स्मेलिंग क्लॉथेस, उनके उनके कपड़े बहुत अच्छा महकते हैं, ठीक है, तो उनके कपड़े बहुत अच्छा महकते हैं, तो सही बात है, तो हो गया ट्रू, वो कभी भी गंदे कपड़े नहीं पहनती हैं दादी माँ। फाइव है वाइल ग्रैंड मदर रेस्ट द पोएट मेक्स ए नॉइज नियर हर, ठीक है, मेक ए नॉइज का मतलब होता है हल्ला करना, तो बोला जरा जब दादी माँ आराम करती हैं
तो कवि उनके नजदीक हल्ला करते हैं, ठीक है, शोर मचाते हैं, तो गलत है, ठीक है, शोर नहीं मचाते हैं, वो चुपचाप रहते हैं शांतिपूर्वक, ताकि दादी माँ है ना जग नहीं जाए, दादी माँ को कोई प्रॉब्लम नहीं हो आराम करने में, तो गलत है, तो गलत है, तो क्या लिखेंगे, फॉल्स लिखेंगे, ठीक है, हो गया। सिक्स है, ग्रैंड माँ डिसलाइक्स हर ग्रैंड सन्स हगिंग हर, दादी माँ अपने पोते के उनको गले लगाने को नापसंद करती हैं, ठीक है, डिसलाइक मीन्स होता है क्या, नापसंद करना, तो नापसंद करती हैं, ये गलत है, तो हो जाएगा फॉल्स, ठीक है, FALSE फॉल्स, FALSE फॉल्स, अगर वो नापसंद करती हैं तो क्या होता है, दादी माँ गले नहीं लगाती, वो भगाती दूर, लेकिन ऐसा नहीं होता, कविता में क्या बताया कि दादी माँ है ना, ठीक है, पोते को गले लगाती हैं, जब पोता उनको गले लगाता है, तो ये हो गया ट्रू एंड फॉल्स। ये आंसर का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। सी में लिखा हुआ है लेट्स थिंक एंड राइट, चलो सोचे और लिखें, थिंक मीन्स होता है सोचना, राइट मीन्स होता है लिखना, इन सारे प्रश्नों को लिखने से पहले सोचना होगा। सी पॉइंट वन में लिखा हुआ है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा कीजिए, देख रहे हैं खाली है तो नीचे दिए गए वाक्यों को आपको पूरा करना है, बाय पुटिंग द राइट फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स, ब्रैकेट में दिए गए शब्दों के सही रूप को भरकर, तो बोला जा रहा है कि ब्रैकेट में दो ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, दोनों ऑप्शन में कोई एक होगा सही, तो उसी को क्या करना है, उसी को यहाँ पर भरना है, ठीक है, उसी को यहाँ पर क्या है भरना है, तो चलिए देखते हैं। ग्रैंडमाज डैश आर शाइनिंग ब्लू, दादी माँ की नीली चमक रही है, तो क्या नीली चमक रही है, आंखें या नाखून, तो क्या होगा आंखें हो जाए, आंखें, तो आईज को क्या करेंगे यहां पर भर देंगे, ई वाई ई एस आईज। टू है, ग्रैंडमा हैज द डैश स्माइल, दादी माँ की मुस्कुराहट है, तो कैसी है, सबसे प्यारी है, तो क्या हो जाएगा स्वीटेस्ट, तो स्वीटेस्ट को यहां पर लिख देंगे, ठीक है, यहां पर देखिए यहां पर क्या बोल रहा है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा कीजिए, तो यहां पर क्या है भरना है ना कि टिक मारना है, तो आईज भरेगा यहां पर स्वीटेस्ट भरेगा यहाँ पर। थ्री है, सी इज वेयरिंग द डैश स्मेलिंग क्लॉथेज, वे, ठीक है, बहुत अच्छा महकते हुए कपड़ा पहनी हुई हैं, तो सबसे अच्छा महकते हुए कपड़ा पहने हुए हैं, तो सबसे अच्छा क्या होगा, नाइसेस्ट हो जाएगा, तो यहाँ भरेंगे नाइसेस्ट। कॉस्टलीस्ट मीन्स होता है सबसे महंगा, तो सबसे महंगा कपड़ा नहीं पहनते हैं, वो सबसे बढ़िया कपड़ा पहनते हैं, ठीक है, अच्छा महकता हुआ। फोर है, वेन ग्रैंड माँ डैश आई कीप क्वाइट, तो बोला जा रहा है जब दादी माँ, ठीक है, करती हैं तो मैं शांत रहता हूँ, तो क्या करती हैं, आराम करती हैं, तो हो जाएगा रेस्ट से, ठीक है, तो रेस्ट को क्या करेंगे यहाँ पर लिख देंगे, तो कविता में बताया गया था कि जब दादी माँ आराम करती हैं तो मैं चुप रहता हूँ, तो चुप रहना का क्या होता है क्वाइट, ठीक है ना, क्वाइट। फाइव है, आई रन एंड डैश माई ग्रैंड माँ, मैं दौड़ता हूँ और अपने दादी माँ को करता हूँ, क्या करता हूँ, खींचता हूँ या गले लगाता हूँ, क्या होगा, गले लगाता हूँ, तो हग, हग में होता है गले लगाना, तो हग को क्या करेंगे, HUG यहाँ पर भर देंगे, तो क्या होगा, मैं दौड़ता हूँ और अपनी दादी माँ को गले लगाता हूँ। सिक्स है, देन सी डैश मी बैक अगेन, तब वे भी मुझे वापस लगाते हैं, तो क्या लगाते हैं, गले लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा हग्स, ठीक है, थ्रोस मिस होता है फेंकते हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि दादी माँ उसको उठा कर फेंक देते हैं, नहीं, दादी माँ उसको क्या करते हैं, गले लगाते हैं, जब पोता उनको गले लगाता है तो दादी माँ भी अपने पोते को गले लगाती हैं, तो हो जाएगा हक्स, यहाँ पर लिख देंगे HUGS हक्स। 3.2 में लिखा हुआ है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें, फॉलोइंग मिस होता है नीचे दिए गए, तो यहाँ पर एक दो तीन, तीन प्रश्न दिए गए हैं नीचे, तो आपको इन तीनों प्रश्नों का जवाब देना है। फर्स्ट में बोल रहा है डज द पोएट केयर फॉर हिज ग्रैंड मा, क्या कवि, कवि कहते हैं कविता लिखने वाले को, तो ये कविता लिखे है ना दादी माँ वाला कविता, ठीक है, आई लव ग्रैंड मा, एक बच्चा लिखे है तो उस बच्चे को कहेंगे कवि, पोएट कहेंगे, तो जो कविता लिखता है उसको पोएट कहते हैं, कवि। फर्स्ट है, डज द पोएट केयर फॉर हिज ग्रैंड मा, क्या कवि अपनी दादी माँ की चिंता करते हैं, विच वर्ड्स एंड फ्रेजेस शो दिस, कौन सा शब्द
और शब्दों का समूह इसको दिखाता है। किसको दिखाता है? कि वो अपनी दादी माँ की चिंता करते हैं, ठीक है ना। फ्रेजेज मीन्स होता है शब्दों का समूह। क्या होता है? शब्दों का समूह। तो बोला जा रहा है कौन से शब्द और कौन से शब्दों का समूह इसको दिखाता है, ये प्रूव करता है कि कवि अपनी दादी माँ की चिंता करते हैं। अगर यस लिखेंगे तो आंसर हो जाएगा यस, द पोएट केयर्स फॉर हिज ग्रैंड माँ। हाँ, कवि अपनी दादी माँ की चिंता करते हैं। द फ्रेज व्हेन ग्रैंड माँ रेस्ट आई एम स्टिल अंटिल शी वेक्स अप सोज दिस। शब्दों का समूह, जब दादी माँ आराम करती हैं तो मैं स्थिर रहता हूँ जब तक कि वे जागती नहीं है। सोच दिस इसको दिखाता है। किसको दिखाता है? कि कवि अपनी दादी माँ की चिंता करते हैं, इसको दिखाता है। तो इसको प्रूफ कौन करता है? ये जो है ना लाइन, व्हेन ग्रैंड माँ रेस्ट आई एम स्टिल अंटिल शी वेक्स अप, ये दिखाता है। इसमें दो प्रश्न था, ठीक है ना। एक प्रश्न का ये उत्तर हो गया और इस प्रश्न का उत्तर यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया। टू है, हाउ कैन यू से डैट बोथ ग्रैंड मा एंड ग्रैंड सन हैव वेरी डीप लव फॉर ईच अदर। आप कैसे कह सकते हैं कि दादी माँ और पोते दोनों, ठीक है ना, दोनों को एक दूसरे के लिए बहुत गहरा प्यार है, ठीक है, एक दूसरे के लिए बहुत गहरा प्यार है दादी माँ और पोते को, आप कैसे कह सकते हैं? आपको प्रूफ देना होगा। तो देखिए आंसर लिखेंगे, ग्रैंड माँ एंड ग्रैंड सन हग ईच अदर इन लव। दादी माँ और पोते प्यार में एक दूसरे को गले लगाते हैं, ठीक ना, अपने प्यार को दिखाने के लिए एक दूसरे के प्रति। सो इसलिए आई कैन से डैट दे हैव वेरी डीप लव फॉर ईच अदर। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि दे हैव वेरी डीप लव फॉर ईच अदर, उन दोनों को एक दूसरे के लिए बहुत गहरा प्यार है, ठीक है। तो जब प्यार होगा तभी ना गले लगाएंगे। तो दादी माँ और पोते एक दूसरे को गले लगा रहे, इसका मतलब क्या है? दोनों में एक दूसरे के प्रति बहुत गहरा प्यार है, वेरी डीप लव, बहुत गहरा प्यार। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है। हाउ डू यू ट्रीट विद योर ग्रैंड माँ, आप अपने दादी माँ से कैसे पेश आते हैं, ठीक है, दादी माँ के साथ कैसा व्यवहार करते हैं वो पूछा जा रहा है। डू यू लिसन टू हर, क्या आप उनके सुनते हैं, यानी आप उनके सुनते हैं, यानी क्या आप उनका कहना मानते हैं, उनका कहना मानते हैं तो आप लिखिएगा यस, अगर नहीं मानते हैं तो लिखिएगा नो। हम तो मानते हैं इसलिए लिखेंगे यहाँ पर यस। तो पहला पूछ रहा था हाउ डू यू ट्रीट विद योर ग्रैंड माँ, आप अपनी दादी माँ से कैसे पेश आते हैं। तो ऐसा लिखेंगे आई बिहेव विद माई ग्रैंड माँ अफेक्शनेटली। अफेक्शनेटली मीन्स होता है क्या? प्यार से, लगाव से। आई बिहेव विद माई ग्रैंड माँ अफेक्शनेटली, मैं अपनी दादी माँ से बहुत प्यार से पेश आता हूँ। यस आई लिसन टू हर, हाँ मैं उनकी सुनता हूँ, उनका सारा कहना मानता हूँ। 3.3 है, राइट टू मोर राइमिंग वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग, नीचे दिए गए, ठीक है, नीचे दिए गए का दो और तुकान शब्दों को लिखें। देखिए राइमिंग वर्ड्स का हिंदी होता है तुकान शब्द, ठीक है। राइमिंग वर्ड्स कहते हैं वैसे वर्ड ना जिनका अंत का प्रोनाउंसिएशन, अंत का उच्चारण मैच करता है, एक ही होता है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं बोट, ठीक है, बोट, और ले लेते हैं कोट, ठीक है। तो बोट, बो और ट, बोट और कोट, को और ट, कोट। तो अंत का जो ओट ओट है ना, वो क्या हो रहा है? मैच कर रहा है, मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है? मैच कर रहा है। तो इन दोनों शब्दों को, बोट और कोट शब्दों को बोलेंगे कि ये दोनों राइमिंग वर्ड्स हैं, ठीक है, राइमिंग वर्ड्स यानी तुकान शब्द है। तो राइमिंग वर्ड्स किसको कहते हैं? वैसे शब्द जिनका अंत का प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण मैच करता है, उन सारे शब्दों को राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। तो हमें राइमिंग वर्ड्स बताना है ब्लू नीला का, नोज नाक का, बैक, बैक मीन्स पीछे भी होता है और बैक मीन्स पीठ भी होता है। तो एक ही शब्द का ना ढेर सारा मीनिंग हो सकता है, जैसे बैक का है, इस तरह से आपको कई सारे शब्द मिलेंगे जिनका अर्थ एक से ज्यादा होता है। देखिए ब्लू का राइमिंग वर्ड्स है ग्लू और फ्लू। देखिए ग्लू मीन्स होता है गोंद और फ्लू मीन्स होता है जुकाम। नोज का राइमिंग वर्ड्स होता है पोज और रोज, रोज तो आप जानते ही हैं गुलाब, और पोज मीन्स होता है मुद्रा, ठीक है। जैसे हम लोग फोटो खिंचाते हैं ना तो एक स्पेशल पोज देते हैं, यानी एक स्पेशल मुद्रा में खड़े रहते हैं ताकि फोटो आ सके अच्छा, तो उसी को कहते हैं पोज, बोलते ना कि पोज मारो।
बैक का राइमिंग वर्ड्स है रैक लैक, ठीक है। लैक मिस होता है कमी, ठीक है। लैक मिस क्या होता है? कमी। और रैक मिस होता है कष्ट देना, क्या होता है? कष्ट देना। तो इन सारे शब्दों का ना वर्ड मीनिंग आप याद कर लीजिए, जो भी बताते हैं वो कॉपी में लिख लीजिए और उसको याद करते रहिए, याद हो जाएगा। डी है लेट्स इंक्रीज वर्ड पावर, ठीक है। चलो वर्ड पावर को बढ़ाएं। इंक्रीज मिस होता है बढ़ाना, तो आपको कितना वर्ड मीनिंग याद है ना, उसके सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए बोल रहा है। ये सारे जो वर्ड मीनिंग आप पढ़िएगा ना, इससे क्या होगा, आपका जो वर्ड पावर है, आपको कितना वर्ड मीनिंग याद है ना, तो उसके पावर को ये बढ़ाएगा। इसलिए बोला जा रहा है लेट्स इंक्रीज वर्ड पावर, चलो वर्ड के पावर को बढ़ाएं। डी पॉइंट वन, करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, नीचे दिए गए शब्दों के स्पेलिंग को सही करें। जितने सारे स्पेलिंग देख रहे हैं ना बॉक्स में, सबके सब गलत हैं, तो आपको सुधारना है। ब्लू, बी एल यू, तो ब्लू का स्पेलिंग ये थोड़ी होता है, ब्लू का सही स्पेलिंग होता है बी एल यू ई, ब्लू। ब्लू मीन्स नीला। दादी माँ की आंखें कैसी चमक रही थी, नीला। थ्रू, तो थ्रू क्या होता है, टी एच आर यू जी एच, थ्रू मीन्स होता है द्वारा, ठीक है ना, से होकर। जैसे दादी माँ क्या है, दादी माँ चश्मा से देखती हैं, चश्मा से, तो कैसे देखती हैं, थ्रू द ग्लास, तो बोलेंगे क्या, थ्रू द ग्लास, ये आंखें हैं दादी माँ की। ग्लासेस, ग्लासेस का मतलब होता है क्या, चश्मा, तो जी एल ए डबल एस ई एस, ग्लासेस। ये क्या एन ओ यू एस ई, तो गलत है। तो ये नोज, एन ओ एस ई, नोज मीन्स होता है नाक, ठीक है। इसका सही स्पेलिंग ये है स्मेलिंग, स्पेलिंग मीन्स क्या, महकता हुआ, स्मेलिंग। तो स्मेलिंग में क्या होता है, डबल एल होता है, एस एम ई डबल एल आई एन जी, स्मेलिंग मीन्स महकता हुआ। स्वीटेस्ट, स्वीट में क्या किए, ई एस टी लगा दिए, सबसे प्यारा। नाइस में क्या किए, ई एस टी लगाए, ठीक है ना, नाइसेस्ट, तो नाइस में, ठीक है ना, एन आई सी ई, नाइस में ई एस टी लगाते हैं ना, तो क्या होता है, देखिए दो गो ई नहीं रह सकता, एक ई क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा स्पेलिंग, एन आई सी ई एस टी, नाइसेस्ट, नाइसेस्ट यानी सबसे बढ़िया। स्टील, एस टी आई डबल एल, स्टील मीन्स स्थिर, तो ये देखिए ये सही स्पेलिंग तो है नहीं, सही स्पेलिंग होगा हक्स, एच यू जी एस, हक्स, हक्स यानी गले लगाता है या गले लगाती है। अगेन, ए जी ए आई एन, अगेन यानी दोबारा, जैसे बोलते हैं ना कि अगर असफल हो जाते हो तो रुकना नहीं चाहिए, अगेन ट्राई करना चाहिए, फिर से प्रयास करना चाहिए, तो अगेन मीन्स क्या होता है, दोबारा, फिर से। डी पॉइंट टू, पिक आउट द वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट डैट मीन द फॉलोइंग, फॉलोइंग मीन्स क्या, नीचे दिए गए, मीन मीन्स क्या, मतलब होता है, टेक्स्ट यानी पाठ, और पिक आउट मीन्स होता है चुनना। तो बोला जा रहा है पिक आउट द वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट, पार्ट से उन शब्दों को चुने डैट मीन द फॉलोइंग, जिसका मतलब नीचे दिए गए होता है। तो ये नीचे दिए गए जो है ना, ये इसका मतलब जो होता है, उन शब्दों को पार्ट से चुनना है। तो देखिए फादर्स मदर, एपोस्ट्रोफी एस मीन्स होता है क्या, का के, और क्या होता है की, का के की, जैसे बोलते हैं ना राम का किताब, तो राम्स क्या हो जाएगा, बुक। तो बोला जरा फादर्स मदर, तो पिताजी के माँ को क्या कहते हैं, दादी कहते हैं। तो दादी है ना, ये जो दादी है, इसका इंग्लिश मीनिंग हमें ढूंढना है कविता से। स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स मीन्स चश्मा। गारमेंट्स वॉर्न टू कवर बॉडी एंड लिम्स, लिम्स कहते हैं हाथ पैर को। तो बोला जा रहा है शरीर और हाथ पैर को ढकने के लिए जो पोशाक पहने जाते हैं, ठीक है, तो वो हमें ढूंढना है। सीजेस टू स्लीप, ठीक है, सोने से रोकना यानी जागना, तो जागने का वर्ड हमें ढूंढना है कविता से। बिलव्ड और मच एस्टिम्ड, एस्टिम्ड मीन्स होता है सम्मानित, ठीक है, जिसको ज्यादा सम्मान दिया जाता है उसको कहते हैं एस्टिम्ड, सम्मानित। बिलव्ड और मच एस्टिम्ड, प्यारा और बहुत ज्यादा सम्मानित। अनदर टाइम यानी दूसरा बार, ठीक ना, जैसे बोलते हैं ना दूसरा बार एग्जाम दे रहे हैं, इस तरह से कोई फेल कर जाता है तब, तो एग्जाम को क्या करता है, अगेन देता, अगेन, ठीक ना, फिर से दोबारा। तो अगेन आपको ढूंढना है कहाँ से, कविता से। तो देखिए पहले से ढूंढ करके रखे हैं, ग्रैंड मा, ग्लासेस, क्लॉथेज, वेक्सअप और डियर, ठीक है, डियर, एक और है अगेन। ये सारे शब्द है ना कविता से ढूंढने हैं, आपको ढूंढ के भी दिखाएंगे, पहले पढ़ लेते हैं। फादर्स मदर, ठीक है, पिताजी के माँ को कहते हैं, ग्रैंड माँ दादी माँ,
स्पेक्टिकल्स यानी चश्मा, गारमेंट्स वॉर्न टू कवर बॉडी एंड लिम्स, शरीर और हाथ पैर को ढकने के लिए पहना जाने वाला पोशाक, तो उसको कहते हैं कपड़े, ठीक है कपड़े। सीजर्स टू स्लीप, ठीक है सोने से रोकना, ठीक है ना, मतलब आप सो नहीं रहे हैं, ठीक है सो नहीं रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, जाग रहे हैं, तो वेक्स अप। बिलव्ड और मच एस्टीम्ड, प्यारा और क्या, प्यारा या बहुत ज्यादा सम्मानित, तो उसको कहते हैं प्रिय, डियर। अनदर टाइम, दूसरी बार, ठीक ना दूसरी बार, तो उसको कहते हैं अगेन, फिर से। तो चलिए ये सब आपको कविता से ढूंढ करके दिखाते हैं। क्या ढूंढना, ग्रैंडमा ग्लासेस क्लॉथेस, तो ये क्या क्या ढूंढना था, ग्रैंडमा, ग्रैंडमा ढूंढना था, ठीक है। तो पिताजी के माताजी को क्या कहते हैं, पिताजी के माताजी को कहते हैं ग्रैंडमा, ठीक है। चश्मा को कहते हैं ग्लासेस, ठीक है। और क्या क्या ढूंढना था, और क्या क्या ढूंढना था, स्वीटेस्ट शायद ढूंढना था, ठीक है ना, इस तरह से। और वेक सब ढूंढना था, जब सोते नहीं है, सीजर्स टू स्लीप, ठीक है, जब सोते नहीं तो क्या कर रहे थे, जागते हैं, तो वेक सब, ठीक है। और डियर ढूंढना था, प्रिय, ठीक है। और ये सब अगेन ढूंढना था, और क्या ढूंढना था, क्लॉथेस ढूंढना था, क्लॉथेस जिसको बोलते हैं ना कपड़े, तो कपड़े कहाँ है, यहाँ पर है, ठीक है। तीन सारे शब्दों को ढूंढ करके दिखा दिया आपको। ये पॉइंट वन, से दीज वर्ड्स अलाउड, इन शब्दों को बहुत जोर से बोलिए। अलाउड मिस होता है बहुत जोर से, दीज मिस होता है ये, ठीक है, से मिस होता है बोलना कहना, तो बहुत जोर से बोलना, ठीक है, इतना जोर से बोलना है कि ये दिल्ली तक आवाज जाए। इसका प्रोनाउंसिएशन आप समझिएगा, ठीक है, उच्चारण हम कैसे कर रहे हैं ये समझिएगा। हग डग मग रग टग ड्रग श्रग स्लग बग जग प्लग ठग, ठीक है ठग। यूट्यूब पर आप बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे ठग लाइफ का, ये ठग क्या बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। चलिए आप इसके हिंदी मीनिंग पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो आप इसके हिंदी मीनिंग जोर से याद कर लीजिएगा। तो देखिए, हग मिस होता है गले लगाना, डग मिस होता है थन, ठीक है थन, जैसे गाय भैंस का जो थन होता है, जैसे दूध निकलता है उसी को बोलते हैं थन। मग मिस होता है प्याला, रग मिस होता है गलीचा, गलीचा किसको कहते हैं, जो फर्श पे कारपेट बिछाते हैं ना दरी, उसी को बोलते हैं रग, गलीचा। टग मिस होता है घसीटना, ड्रग मिस होता है दवा, श्रग मिस होता है कंधा उचकाना, ठीक है ना, जैसे बोलते हैं कि तुम उसको देखे हो, तुम सोहन को देखे हो, तो कंधा उचकाता है, कंधा उचकाने का मतलब क्या होता है पता नहीं, ठीक है। स्लग मिस होता है घोंघा, बग मिस होता है खटमल, जग मिस होता है जग, प्लग मिस होता है प्लग, और ठग मिस होता है धोखेबाज, क्या होता है धोखेबाज। ई पॉइंट टू, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स एज शोन बिलो, नीचे दिए गए शब्दों का इस्तेमाल करें, एज शोन बिलो, जैसा नीचे दिखाया गया है, तो जैसे नीचे दिखाया गया है ना उसी तरह में नीचे दिए गए शब्दों का इस्तेमाल करना। मार्वलस, मार्वलस का हिंदी होता है अद्भुत, जैसे कौन बनेगा करोड़पति, तो उसमें अमिताभ बच्चन बोलते हैं अद्भुत अद्भुत, यानी क्या मार्वलस। इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, वे यूज इट व्हेन वी अप्रिशिएट समथिंग, इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, किसका, मार्वलस का, जब हम सभी किसी चीज का प्रशंसा करते हैं, किसी चीज का प्रशंसा करते हैं ना, तो मार्वलस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मार्वलस, दिस इज ए ग्रेट डीड, अद्भुत, यह एक महान कार्य है, यह क्या है, यह एक महान कार्य है, तो महान कार्य कर दिया, तो इसका प्रशंसा करने के लिए हम लोग अद्भुत शब्द का इस्तेमाल किए, मार्वलस। ब्रैवो, ब्रैवो मिस होता शाबाश, वाह वाह। वे यूज इट टू एनकरेज समवन, एनकरेज मिस क्या होता है, उत्साहित करना, किसी का मनोबल बढ़ाना। वे यूज इट टू एनकरेज समवन, ठीक है, ब्रैवो शब्द का इस्तेमाल हम लोग किसी को ना उत्साहित करने के लिए करते हैं, ठीक है, जैसे ब्रैवो यू हैव वॉन, वाह वाह, ठीक है, शाबाश, तुम जीत चुके हो, तो मैच जो है वो तुम जीत चुके हो, तो उसका क्या कर रहे हैं, उसका मनोबल बढ़ा रहे हैं, उसको एनकरेज कर रहे हैं, तो ब्रैवो शब्द इस्तेमाल किया है। अगला है ओह, ओह, ये पता है चल रहा है क्या, इसका इस्तेमाल हम लोग कष्ट में या दुख में करते हैं, ठीक है ना, दुख या कष्ट में इसका इस्तेमाल करते हैं। ओह ही इज नो मोर, ओह वो अब नहीं रहा, वो अब नहीं रहा मतलब क्या, उसका मृत्यु हो गया, तो ये बहुत दुख भरी बात है,
तो दुख प्रकट करने के लिए या कष्ट प्रकट करने के लिए हम लोग ओह शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अगला है इलास। इलास में होता है हाय। वे यूज इट इन सोरो और डिस्ट्रेस। इसका जैसे दुख या कष्ट प्रकट करने के लिए करते हैं, बिल्कुल इसी प्रकार इसका भी इस्तेमाल हम लोग दुख या कष्ट में करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, इलास हाय सी हैज फेल्ड। वह फेल हो गई है, जो परीक्षा दी थी ना तो उसमें वो फेल हो गई है, तो ये दुख भरी बात है। ठीक है, तो हम लोग इलास का इस्तेमाल किए हैं। इलास का हिंदी होता है हाय। हाय एच आई हाय वाला नहीं, ठीक है, हिंदी वाला हाय, ठीक है, बोलते ना हाय हाय वही। हरी अप। हरी अप मीन्स होता है जल्दी करो। वे यूज इट व्हेन वी वांट टू मेक हेस्ट। हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं जब हम लोगों को ना जल्दीबाजी होता है, ठीक है ना, जल्दीबाजी करने के लिए ना हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं हरी अप। एग्जाम्पल है हरी अप वी आर गेटिंग लेट। जल्दी करो हम सभी को देर हो रहा है, ठीक है, जल्दी करो हम सभी को देर हो रहा है, तो उसको क्या बोले, जल्दी करो, तो हरी अप। ए पॉइंट थ्री, लुक एट द फॉलोइंग वर्ड्स और एक्सप्रेशंस वे यूज इन आवर डे टू डे लाइफ। तो बोला जा रहा है नीचे दिए गए शब्दों, नीचे दिए गए शब्दों को देखिए। ये जो शब्द दिए गए हैं ना, या फिर जो वाक्य दिए गए हैं उसको देखना है। वे यूज इट इन आवर डे टू डे लाइफ, जिसका इस्तेमाल हम लोग अपने प्रतिदिन के जीवन में करते हैं। तीन शब्दों का इस्तेमाल हम लोग अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में करते हैं। सबसे ज्यादा हेलो इस्तेमाल होता है। हेलो, व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हैं तो हाई हेलो ही सबसे पहले लिखते हैं। जैसे किसी से मिलते हैं तो हाई हेलो ही बोलते हैं सबसे पहले। आगे बोला जा रहा है थिंक ऑफ द सिचुएशंस वेयर यू वुड यूज ईच वन ऑफ देम। तो बोला जा रहा है कि उन स्थितियों के बारे में सोचिए जहां आप इनमें से प्रत्येक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, इस्तेमाल करते हैं, इन सभी का कम इस्तेमाल करते हैं, तो उन्हीं स्थितियों के बारे में क्या करना है, थिंक करना है, यानी सोचना है। थिंक मीन्स होता है सोचना। देखिए हेलो कब इस्तेमाल करते हैं, जब किसी से मिलते हैं ना, ठीक है, तो बातचीत स्टार्ट करने के लिए अभिवादन के रूप में पहले हाय हेलो करते हैं। हाउ डू यू डू, आप कैसे हो, ठीक है, तो किसी से मिलते हैं तो हालचाल पूछने के लिए हाउ डू यू डू बोलते हैं, ठीक है, या फिर हाउ आर यू बोलते हैं, आप कैसे हो। फाइन ठीक ठाक, ठीक है ना, ठीक हूँ, ठीक हूँ को क्या बोलते हैं शॉर्ट में, फाइन। जब कोई पूछता है कि आप कैसे हैं, हाउ डू यू डू या फिर हाउ आर यू, तो क्या बोलते हैं, फाइन बोलते हैं उत्तर के रूप में। थैंक्स, थैंक्स धन्यवाद, तो थैंक्स शब्द का इस्तेमाल कब करते हैं, अब जरा सोचिए, जब कोई हमारी मदद करता है ना तो उसको थैंक्स बोलते हैं, धन्यवाद। वेलकम, वेलकम का हिंदी होता है स्वागत है, स्वागत है। जब हमारे घर में कोई आता है या फिर किसी को इनवाइट किए हैं, जैसे पार्टी वर्टी में तो हम सब पार्टी मना रहे हैं या बर्थडे है, तो हम सब क्या बोलते हैं उन सभी का जो आते हैं गेस्ट, वेलकम, आपका स्वागत है। एक्सक्यूज मी, मुझे माफ करें, ठीक है, तो इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, जैसे मान लीजिए कि दो आदमी है ना आपस में बात कर रहे हैं, आपको ये वाले आदमी से काम है, तो दोनों बात कर रहे हैं तो डायरेक्ट जाके बीच में बोल थोड़ी पड़ेंगे, पहले क्या बोलेंगे, एक्सक्यूज मी, ठीक है ना, एक्सक्यूज मी, मुझे माफ करें। जब दोनों चुप हो जाएंगे फिर इस व्यक्ति से अपनी बात को कह देंगे जो हम कहना चाहते हैं। तो किसी को अगर डिस्टर्ब करते हैं ना तो सबसे पहले ना, सबसे पहले हम लोग क्या कहते हैं, एक्सक्यूज मी, मुझे माफ करें, जो हम आपको डिस्टर्ब करने वाले हैं या किए हैं तो उसके लिए माफ कर दीजिए, एक्सक्यूज मी, मुझे माफ करें। आई बेग योर पार्डन, मैं आपसे माफी चाहता हूँ, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कोई कुछ बोला, ठीक है, तो आपको सुनाई नहीं पड़ा, तो आप क्या बोलेगा, आई बेग योर पार्डन, मैं आपसे माफी चाहता हूँ, हम सुने नहीं, फिर से बोलिए, ठीक है। इसका बहुत जगह इस्तेमाल करते हैं, तो हिंदी होता मैं आपसे माफी चाहता हूँ, तो माफी मांगने के लिए आई बेग योर पार्डन इस्तेमाल करते हैं। एक एग्जाम्पल आपको बता दिए, जब आपको कोई कुछ बोला तो सुनाई नहीं पड़ा, ठीक है, तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई बेग योर पार्डन, ठीक है ना, आई बेग योर पार्डन, मैं आपसे माफी चाहता हूँ, ठीक है, मैं आपसे माफी चाहता हूँ, क्या बोले हमको सुनाई नहीं पड़ा, फिर से बोलिए। तो एक एग्जाम्पल हो गया। मे आई यूज योर पेन, क्या मैं आपका पेन, क्या मैं आपका कलम इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो ये कब बोलते हैं, जब किसी से पेन मांगना हो तो। ऑफ कोर्स यानी बेशक, देखिए बेशक का इस्तेमाल करते हैं किसी को विश्वास दिलाने के लिए, ठीक ना, जैसे मान लेते हैं कि कोई दोस्त आपसे बोला कि कल चलोगे क्रिकेट खेलने, तो
आप बोलिएगा बेशक चलेंगे, ऑफ कोर्स। ठीक है, तो ऑफ कोर्स यानी बेशक, बेशक यानी क्या, उसमें कोई शक नहीं है, बेशक। अगला है और लास्ट है वेल डन, शाबाश। तो वेल डन इस्तेमाल करते हैं किसी के काम की प्रशंसा करने के लिए, किसी के काम को अप्रिशिएट करने के लिए। तो सारा बता दिए। एफ है लेट्स डू, चलो करें। तो चलिए ये जो वर्ड पजल है इसको सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ फाइंड आउट वर्ड्स नेमिंग आवर रिलेटिव्स इन द फॉलोइंग वर्ड पजल। ठीक है, वर्ड पजल। ठीक है, तो वर्ड पजल ही है। तो बोलो जरा फाइंड आउट वर्ड्स। ठीक है, फाइंड आउट वर्ड्स उन शब्दों को ढूंढिए, नेमिंग आवर रिलेटिव्स हमारे सगे संबंधियों का नामकरण करने वाले, इन द फॉलोइंग वर्ड पजल नीचे दिए गए शब्द पहेली में। तो बोला जरा नीचे दिए गए शब्द पहेली में हमारे रिश्तेदारों का नामकरण करने वाले शब्दों को ढूंढे। फाइंड आउट मीन्स होता है ढूंढना, इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो इस वर्ड को आप याद रखिएगा। वन हैज बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए किया गया है। ठीक है, एक आपके लिए ढूंढ करके दिखाया गया। ठीक है, फादर। ठीक है, तो फादर को ढूंढ करके दिखाया। इसमें ढूंढने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले हॉरिजेंटल, ये जो है ना हॉरिजेंटल, इसको बोलते हैं रो, ROW, रो। ठीक है, और ये जो खड़ा खड़ा है ना इसको बोलते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं, CoLUMN, कॉलम। समझ गए? तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, रो में ढूंढेंगे। ठीक है, ऐसे जो सोया सोया है ना, ठीक है, उसमें ढूंढेंगे, फिर जो खड़ा खड़ा है ना इसमें ढूंढेंगे। तो देखिए सबसे पहले रो में ढूंढ करके दिखाते हैं। देखिए आंट, AUNT, आंट मतलब चाची, एक मिल गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर सिस्टर, सिस्टर यानी बहन। मदर, मदर यानी क्या, माँ। और क्या लिखा हुआ, और कुछ लिखा हुआ, ब्रदर, BROTHER, ब्रदर। ठीक है, तो चार को तो मिल गया। अब ये फादर, FATHER, फादर तो पहले ही मिला हुआ है, ये तो बना के दिखाया गया। अब आगे देखते हैं नेफ्यू, NEPHEW, नेफ्यू मीन्स होता है भतीजा। ठीक है, मिल गया। उसके बाद ढूंढिए, आप भी मेरे साथ ढूंढिए, नीस, NIEC, नीस यानी भतीजी। ठीक है, और कुछ है, हाँ एक और है, देखिए अंकल, UNCLE, अंकल। ठीक है, तो सारे के सारे क्या मिल गया। तो देखिए सारा का सारा मिल गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कमेंट बॉक्स में PDF का लिंक दिया हुआ, वहां पर क्लिक कीजिएगा ना, तो आपको सब कुछ आ जाएगा, वहां से सब के सब कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो आप जरूर चेकआउट कर लीजिए। F12, ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ योर फैमिली ट्री, तो अपने फैमिली ट्री का एक तस्वीर खींचे। यू मे बिगिन एज गिवन बिलो, बिगिन मीन्स क्या होता है, शुरू करना। यू मे बिगिन, आप शुरू कर सकते हैं, एज गिवन बिलो, जैसा नीचे दिया गया है। तो अपन जो फैमिली ट्री है ना उसको अपने दादा दादी से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे फैमिली ट्री, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, दिया हुआ एक किताब में तो दिया हुआ है ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा दादी। दादा दादी से नीचे कौन होंगे, ठीक है, आपके माता पिता होंगे। ठीक है, आपके माता पिता, तो यहाँ लिखेंगे फादर। ठीक है, आप पूरा लिखिएगा, यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप पूरा लिखिएगा FATHER, फादर। यहाँ पर लिखेंगे मदर, MOTHER, मदर, माँ। ठीक है, उसके बाद अगर आपके क्या है, आपके चाचा चाची हैं तो लिखेंगे यहाँ पर चाचा चाची, तो अंकल लिखेंगे और आंट लिखेंगे। ठीक है, आपको फिर बोल रहे हैं, आप पूरा लिखिएगा, UNCLE, अंकल, और AUNT, आंट। ठीक है, और भी चाचा हैं, ठीक है, तो इस तरह से और भी कर बनाएंगे। ठीक है, उसको फिर ऐसे कर देंगे। ठीक है, और भी चाचा चाची हैं तो फिर इस तरह बनाएंगे, फिर ऐसे कर देंगे। ठीक है, और चाचा चाची हैं तो यहाँ पर बनाएंगे और ऐसे कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मानकर चलते हैं कि ये जो लड़का है ना, ठीक है, इसके एक ही चाचा है, तो इस लड़के को मान करके बना रहे हैं। समझ गए ना, तो देखिए तो ये है ना, ये तो यहाँ पर क्या किए, यहाँ पर ऐसे बना देंगे। ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, आई यानी ये लड़का है। ठीक है, मैं यानी क्या, इस लड़का के बारे में बोला जा रहा था, ये लड़का बना रहा है तो क्या लिखेगा, आई लिखेगा। ठीक है, फिर वो मान लेते हैं ना कि इसका सिर्फ एक बहन है। ठीक है, तो ये बहन का नाम लिख देगा, तो मान लेते हैं बहन का नाम मान लेते हैं राधा है। ठीक है, तो राधा लिख दिए, RADHA, राधा। ठीक है, राधा लिख देंगे। मान लेते हैं कि इसके जो चाचा चाची है ना, ठीक है, तो उनका एक ही को लड़का है, तो मान लेते हैं कि सोहन है, तो
तो क्या करेंगे, सोहन लिख देंगे, SOHN सोहन, ठीक है हो गया। तो यही हो गया क्या, फैमिली ट्री। तो मान लेते हैं कि इस लड़का का और भी भाई बहन रहेगा, ठीक है ना, इस लड़का का चचेरा भाई बहन, तो क्या करेंगे ऐसे बना देंगे, ठीक है, यहाँ भाई का नाम लिख देंगे, यहाँ बहन का नाम लिख देंगे, और भी भाई बहन रहेगा तो और बना देंगे, ठीक है, और भाई बहन रहेगा तो और बना देंगे, समझ गए ना। तो इस तरह से लिखेंगे, तो यहाँ पर माने क्या, इसके एक ही को भाई है, चचेरा भाई, तो लिख दिए सोहन, हो गया। तो ये हो गया फैमिली ट्री। आई होप आपको समझ में आया होगा फैमिली ट्री कैसे बनाना है। अगर आपके दिमाग में कुछ भी प्रश्न है इस चैप्टर से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही अच्छी वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं।